नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने गौर किया कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं वे हर तरह की स्थिति में आनंद में बने रहते हैं। जब स्थितियां अच्छी होती हैं तो वे उनका भरपूर फायदा उठाते हैं और खूब मेहनत से काम करते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट भी पाते हैं। लेकिन जब स्थितियां खराब होती हैं तो वे उन खराब स्थितियों को भी अपने लिए अवसरों में, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज में बदल देते हैं और तब भी आनंद में ही बने रहते हैं, यानी कि स्थितियों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक दूसरी विशेषता मैंने देखी है पॉजिटिव लोगों की, और वो ये है कि कैसी भी स्थिति हो वे हमेशा यही कहते हुए पाए जाएंगे कि उनके साथ जो भी हो रहा है उनके अच्छे के लिए हो रहा है। वे खराब स्थितियों से भी कभी विचलित नहीं होते क्योंकि वे ये मानते हैं कि स्थितियां हमेशा बदल जाती हैं, और उनके मन में कहीं ना कहीं एक प्रगाढ़ श्रद्धा है ईश्वर के लिए। वे जानते हैं कि जिन तकलीफों से ईश्वर उन्हें लेके जा रहा है उसका कोई उद्देश्य है। वो जैसे सोने को सोना बनने के लिए आग में तपना होता है, वे उन मुश्किलों को आग की तरह मानते हैं और खुद को सोने की तरह, और ये मानते हैं कि ईश्वर उनको सोने की तरह चमकाने के लिए ही मुश्किल स्थितियों से लेके जा रहा है। उनका एक सिद्धांत है कि व्हाटएवर हैपेंस इट हैपेंस फॉर द गुड, कि अंतिम जो रिजल्ट है, अंतिम जो फल उनके हाथ में आने वाला है वो मीठा रहेगा, भले उसकी प्रक्रिया में तकलीफें हो, दुख हो या थोड़ी परेशानी हो। इसलिए आप कभी भी पॉजिटिव लोगों को मुश्किल स्थितियों के सामने परेशान होते हुए या दुखी होते हुए नहीं देखेंगे। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक पॉजिटिव व्यक्ति की कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आप ये महसूस करेंगे, ये जानेंगे कि जीवन में पॉजिटिव बने रहना कितना जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव बनने के बाद ही, पॉजिटिव बने रहने से ही आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेके जा सकते हैं, जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, उन मुश्किलों को अवसर में बदल सकते हैं और जीवन को निरंतर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो सुनिए, बहुत ही खूबसूरत कहानी है, कान्हा राजा और बुद्धिमान चित्रकार। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी परेशानी यह थी कि उसकी केवल एक आंख थी और एक पैर भी खराब था। इन कमजोरियों के बाद भी वह एक कुशल, दयालु और बुद्धिमान शासक था। उसके राज में उसकी प्रजा बहुत खुशहाल और शांत जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में टहल रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर गलियारे की दीवारों पर लगे चित्रों पर पड़ी। ये उसके पूर्वज राजा थे। उन चित्रों को देखकर राजा के मन में ख्याल आया कि भविष्य में जब उसके उत्तराधिकारी इस गलियारे से गुजरेंगे तो उन चित्रों को देख अपने पूर्वजों को जरूर याद करेंगे। उन चित्रों में अब तक राजा का चित्र नहीं लगा था। राजा मन ही मन सोच रहा था कि उसकी शारीरिक अक्षमताओं के कारण दूसरे राजाओं की तुलना में उसका अपना चित्र कितना खराब दिखेगा। राजा ने मगर मन बनाया कि चित्र कैसा भी दिखे उसे अपना चित्र भी दीवार पर लगवा देना चाहिए। अगले ही दिन उसने राज्य में मुनादी करवाकर राज्य के श्रेष्ठ चित्रकारों को बुलवा लिया। उसने उन्हें अपने सामने बैठाकर उनसे अपना चित्र बनाने को कहा, पर शर्त रखी कि चित्र सुंदर होना चाहिए ताकि वह उसे गलियारे की दीवार पर अपने पूर्वजों के चित्रों के साथ लगवा सके। जैसा चित्र बनेगा चित्रकार को वैसा ही उपहार दिया जाएगा। यह सुनकर सभी चित्रकार सोच में पड़ गए। एक अंधे और लंगड़े व्यक्ति का सुंदर चित्र बना पाना भला कैसे संभव था? चित्र खराब बना तो राजा उपहार में कोई सजा ही देगा। यह सोचकर कोई चित्रकार चित्र बनाने का साहस न कर पाया। एक एक कर सभी चित्रकार वहाँ से निकलते बने। अंत में सिर्फ एक युवा चित्रकार वहाँ मुस्कुराता खड़ा रहा। उसने राजा को बताया कि वह उसका चित्र बनाने को तैयार है। राजा ने उसे चित्र बनाने की अनुमति दे दी। अगले ही दिन वह युवा चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जुट गया। कुछ दिनों बाद जब चित्र बनकर तैयार हो गया तो उसे पर्दे से बाहर निकालने का वक्त आया। चित्र को देखने के लिए
राजा समेत सभी वरिष्ठ मंत्री और दरबारी वहाँ मौजूद थे। सब बड़े कौतूहल से पर्दे की ओर देख रहे थे कि कब वह हटे और कब वे राजा का चित्र देखें। वे यह देखने को अधीर थे कि इस युवा चित्रकार ने आखिर एक काने और लंगड़े राजा का सुंदर चित्र कैसे बना दिया। जब चित्र का अनावरण हुआ तो राजा सहित सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। चित्र वाकई अतीव सुंदर बना था। उस चित्र में राजा दोनों तरफ पैर डाले घोड़े पर बैठा हुआ था। चित्र को एक ओर से चित्रित किया गया था, इसलिए उसमें राजा का एक ही पैर दिखाया गया था। चित्र में दिखाया गया था कि राजा धनुष चढ़ाकर एक आंख बंद करके निशाना साध रहा है। चित्र देखकर लग रहा था कि उसने जानबूझकर अपनी एक आंख बंद की हुई है, यानी चित्र उसके लंगड़े के साथ काने होने की कमी को भी बखूबी छिपा रहा था। चित्र को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। चित्रकार ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से राजा की अक्षमताओं को छुपाकर एक बहुत सुंदर चित्र बनाया था। राजा ने युवा चित्रकार को पुरस्कार तो दिया ही, उसे अपने दरबार का मुख्य चित्रकार भी मनोनीत कर दिया। इस खूबसूरत कहानी की सीख यही है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। स्थितियाँ कितने भी हमारे खिलाफ हों, पर सोच पॉजिटिव रहनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच प्रतिकूल स्थितियों के बीच से भी रास्ता निकाल लेती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।